हम लोग मध्य प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं और भोपाल में इस वक्त हम हैं, क्योंकि कल हमने आपको दिखाया ताल ठोक के सीधा 5 बजे भोपाल से, क्योंकि कल ही शुभारंभ हुआ 2019 के सप्ताह का जो सेमीफाइनल जिसे कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज हुआ कल 18 सीटों पर और बाकी की सीटों पर 20 तारीख को मतदान होगा। और कल ही हमारी तरफ से शुभारंभ किया गया चुनाव प्रचार को लेकर जो चुनावी कार्यक्रम है उसका आगाज किया गया और हम इस वक्त भी भोपाल में मौजूद हैं। 13 तारीख आज हो चुकी है, 28 तारीख को वोट पड़ेंगे मध्य प्रदेश में, 28 नवंबर, इस लिहाज से 15 दिन का वक्त बाकी है, यानी कि 15 दिन बाद मध्य प्रदेश में तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन 15 दिन पहले चुनावी मुद्दों की जगह संघ को लेकर जबरदस्त तरीके का घमासान इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में मचा हुआ है। आपको याद होगा कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें संघ पर अटैक था, उसमें इस बात का जिक्र था कि सरकारी भवनों, सरकारी शिविरों में या सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं होगा संघ के शिविर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी कि सरकारी भवनों में संघ के जो कैंप्स लगते हैं वो अब नहीं लगेंगे, शाखाएं नहीं लगेंगी। इसके अलावा एक और चीज का जिक्र इसमें किया गया था कि सरकारी कर्मचारी की जो कर्मचारियों को जो छूट मिली हुई थी 81-2000 में इस पर बैन लगाया गया था, लेकिन 2006 में शिवराज सिंह चौहान ने जो छूट दी थी सरकारी कर्मचारियों को संघ के आयोजनों में संघ की शाखा में जाने की, वो अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो वो छूट को भी खत्म कर दिया जाएगा। संघ को लेकर सियासी घमासान छिड़ा, कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कमलनाथ को करनी पड़ी 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास बाकायदा जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को कि हम बैन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को समझ आ गया था कि बीजेपी इसका फायदा लेती नजर आ रही है। लेकिन लग रहा है कमलनाथ की सफाई से भी सबक नहीं लिया है वहां के नेताओं ने, क्योंकि अब जो खबर आ रही है वहां पर कांग्रेस के जो यहां पर उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक बेहद विवादास्पद बयान। सुंदरलाल तिवारी साहब जो हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने कमलनाथ से सीख या सबक ना लेते हुए संघ की तुलना आतंकी संगठन से कर दी। आप सोच रहे होंगे पहली बार नहीं है, संघ की को मुस्लिम ब्रदरहुड तो खुद राहुल गांधी बता चुके हैं। तो जब राहुल गांधी नेता सेनापति संघ को गाली देंगे या संघ की तुलना आतंकी संगठन से करेंगे तो नेता भी वही करेंगे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आपको बता दें कि जवाब दे दिया गया है कि कोई उन्होंने चुनौती दी एक तरीके से कि बैन नहीं लगाया जा सकता और जाएंगे सरकारी कर्मचारी जाएंगे। हमारे पास एक बड़ा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी से सुदेश वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से पंकज चतुर्वेदी हैं, प्रोफेसर संजीव तिवारी जो कि इस संघ के जानकार हैं, और वाहिद हसन रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी जी, आप ही से मेरा सवाल, संघ अगर आतंकी संगठन है, चलिए मान भी लिया जाए कि आतंकी संगठन जैसा है संघ, आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं तो आप वही कहेंगे, तो फिर प्रणब मुखर्जी कौन है, फिर इंदिरा गांधी कौन है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी संघ के कार्यक्रम में गई थी, अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी अभी संघ के कार्यक्रम में गए हैं, तो अगर संघ आतंकी संगठन तो प्रणब मुखर्जी को क्या कह रहे हैं आप? देखिए अमन, राहुल गांधी जी ने कहा कि संघ आतंकवादी संगठन है, ना कांग्रेस के किसी और जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा। राहुल गांधी जी ने जिस भाषण का जिक्र किया उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि काम करने का तौर तरीका एक जैसा है। और जहां तक मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र का विषय है तो 2-3 बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहला विषय ये कि एक मैं वाक्य आपसे शेयर करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जी मीडिया के माध्यम से, कि जब केशुभाई पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अटल जी से, जो प्रधानमंत्री थे, पूछा कि क्या हम हमारे ऐसे लोगों को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको संघ में की शाखाओं में जाने की छूट प्रदान करें। अटल जी ने तत्कालीन अटॉर्नी जनरल से सलाह मशवरा किया और मशवरा करने के बाद केशुभाई को कहा कि नहीं, ये संविधान सम्मत और विधि सम्मत नहीं होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्देश पर केशुभाई पटेल ने उस चीज़ का पालन किया और उन्होंने इस प्रकार की छूट गुजरात के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं दी। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब के पहले जो 2 मुख्यमंत्री थे, उमा भारती जी और बाबूलाल गौर साहब, जिनका टिकट अभी काट दिया गया, उमा जी को शिवराज जी ने राजनीतिक रूप से निर्वासित कर दिया मध्य प्रदेश से, इन दोनों ने बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में इस नियम कायदे को लागू रखा। आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमन भाई, क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस प्रकार की छूट दी है? तो कांग्रेस का रुख तो बहुत स्पष्ट है कि जो सरकारी सेवा के नियम है, शासकीय सेवक का जो आचरण होना चाहिए, वो जो नियमावली जो बात करती है, हम उस नियमावली की
बात कर रहे हैं? हम वही बात कर रहे हैं जिसका पालन आदरणीय अटल जी ने करने को कहा था, जिनके अस्थि कलश लेकर दो दो दिन पहले, दो महीने पहले भारतीय जनता पार्टी देश में घूम उड़ गया है। हम वही बात कर रहे हैं मोदी जी जिसका पालन कर रहे हैं हम। सर सर मेरा उत्तर पूरा हो जाए अमन भाई, मैं दूसरा निवेदन ये करूं, मैं आपके सर आया आपके सारे सवाल के उत्तर दूंगा अमन जी, बस मुझे दो मिनट अवसर दीजिए। मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं कि बहुत हास्यास्पद है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं सर, कि आप पूरी सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं दो मिनट में, चुनाव प्रचार थोड़ी ना है, आप रैली थोड़ी ना कर रहे हैं। सुंदरलाल तिवारी इस पर जवाब दीजिए, आपके उपाध्यक्ष संघ को आतंकी संगठन कह रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का क्या रुख है, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कल बहुत स्पष्ट कहा, जिसको आपने सुना भी और आपने दोहराया भी। सुंदरलाल तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, में इनकार नहीं कर रहा, पर ये सुंदरलाल तिवारी जी का व्यक्तिगत बयान है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उनके इस बयान से सहमत नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पक्ष वही है जो कल आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम आरएसएस पर बैन की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये अमन भाई ठीक वैसे हो रहा है कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, कोई कान को देख ही नहीं रहा है, सब कौए को ढूंढे निकल गए। किसी ने आरएसएस पर बैन की बात नहीं करी, पर पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसकी बुद्धि व्यापम की बुद्धि के समान हो गई है, जो बौद्धिक दिवालीपन से जूझ रही है, बताइए किसने आरएसएस पर बैन की बात करी? कल कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का रुख बहुत स्पष्ट किया। तिवारी साहब ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत विषय है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी वही सोच और विचारधारा की बात करती है जो कल आदरणीय बड़ी खतरनाक बड़ी खतरनाक चीज है जो तिवारी जी ने कहा, वो उनका व्यक्तिगत हो गया। जो राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की वो व्यक्तिगत हो गया। आप पूरी पार्टी व्यक्तिगत थोड़ी ना हो जाएगी सरकार। अब सुंदरलाल तिवारी ने कहा, चलिए मैं मान लियो वो उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं सर आपके, वो कह रहे हैं आतंकी संगठन। राहुल गांधी मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना करते हैं आरएसएस की, वो आतंकी संगठन। राहुल गांधी भी पर्सनल हो गए, तिवारी साहब भी पर्सनल हो गए, कमलनाथ भी पर्सनल हो गए, शशि थरूर पर्सनल हो गए, मणिशंकर अय्यर पर्सनल हो गए, संजय निरुपम पर्सनल हो गए। सर आपकी आधी पार्टी पर्सनल हो जाती है, व्यक्तिगत हो जाती है। सुदेश वर्मा साहब, संघ को गाली देने से क्या वोट मिलता है? आप कर रहे हैं एक सेकंड अमन जी, पर्सनल आप कर रहे हैं, मैंने तो व्यक्तिगत बात तिवारी जी की करी, बाकी तो दलगत बात कर रहा हूँ। आपका दिल चाहे उसको पर्सनल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा कि पार्टी कुछ ऑफिशियल स्टैंड देने मैनिफेस्टो में देनी और उसको पार्टी पर्सनल हो गई ना सर। सुदेश वर्मा जो पार्टी मैनिफेस्टो में स्टैंड ले ले, उसके बाद कोई आप बताइए, कोई मैनिफेस्टो में स्टैंड ले ले और उसके बाद कोई नेता क्लैरिफाई करे, तो मैनिफेस्टो सही होगा कि नेता का जो क्लैरिफिकेशन है वो सही होगा? आपको पता होना चाहिए बार बार चिदंबरम साहब ने भी कल कहा एकदम बिल्कुल गलत है, आप आरएसएस को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे तो आपकी ये गलती हमेशा ही दोहराई जाएगी। आरएसएस एक राजनीतिक संस्था नहीं है, एक एनजीओ है और विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है, तो जो एनजीओ पर एप्लीकेबल है उन पर एप्लीकेबल। आप बताइए क्या आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो बिल्डिंग है उसको आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं खोलते हैं? आप सिलेक्टिवली खोलते हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? जब ऑफिशियल्स जो है अगर नेशनलिज्म का पार्ट पढ़ते हैं वहां जाके संस्था से, ये कोई संस्था न तो गैर कानूनी है और न ही राजनीतिक है, तो फिर कैसे बैन लग सकता है? ये बैन लगाना तो की बात करना बहुत बेतुकी है और प्रोवोक करने का प्रयास है। इन्हें पता है ये सत्ता में आएंगे नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये पूरे देश में संघ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मानता है, इसीलिए बैन। तो बाहर संघ पर बैन नहीं है, संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारी शामिल ना हो, इसका जिक्र है। और संघ कोई राजनीतिक संगठन है ये विपक्ष मानता है। आप मानते हैं कि गैर राजनीतिक है संघ? अमन भाई उत्तर देना चाहता हूं। सुदेश वर्मा, अरे आपके बोलने से राजनीतिक हो जाएगा, कांग्रेस के बोलने से कोई संस्था राजनीतिक हो जाएगी? राजनीतिक संस्था होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। संघ के हजारों लाखों शाखाएं हैं, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो संघ के जुड़े हुए हैं, जो समाज के डिफरेंट स्तर पर काम कर रहे हैं, कहां से राजनीति की बात हो गई? संघ के एजेंडा को अगर कांग्रेस इंप्लीमेंट करेगी तो संघ तो ये बोली कांग्रेस को भी सपोर्ट करेगी। अमन भाई आप एजेंडा को इंप्लीमेंट करिए महान राष्ट्र बनाने का, आप महान राष्ट्र बनाने की कल्पना लीजिए ना, किसने मना किया? सभी को हुआ है ठीक, क्या संघ पार्टिसिपेट करती है चुनाव में? अच्छा मेरे साथ प्रोफेसर संजीव तिवारी भी है,
प्रोफेसर संजीव तिवारी, अच्छा मैं आपके पास आऊं, इस बीच एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है, वो बताना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाया गया था डसॉ एविएशन, रफाल मामले में जिनके साथ डील हुई थी डसॉ एविएशन, वो उन पर आरोप लगाया गया था राहुल गांधी की तरफ से। खबर यह है कि रफाल पर डसॉ एविएशन के सीईओ ने एएनआई को इंटरव्यू दिया और राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया है एरिक ट्रेपियर। उन्होंने कहा है कि एरिक ट्रेपियर ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि मैंने झूठ नहीं बोला है और इसके अलावा मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब सच है। ये डसॉ के सीईओ एरिक ट्रेपियर डसॉ भारत के साथ काम कर रही है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। ये राहुल गांधी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे। ये कहा गया था कि राहुल गांधी ने पूछा था दरअसल कि डसॉ के सीईओ एरिक ट्रेपियर किसको बचा रहे हैं, झूठ बोलने का आरोप लगाया था डसॉ एविएशन के। डसॉ के सीईओ पर राहुल गांधी ने झूठ बोलने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर अब डसॉ के जो सीईओ एरिक ट्रेपियर, उनकी तरफ से कहा गया कि मैं एक देश के साथ काम कर रहा हूं, बल्कि मैं किसी पार्टी के साथ काम नहीं कर रहा हूं। ये सफाई दी गई है, डसॉ के भारत के साथ काम कर रही है, भारत सरकार के साथ, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, कांग्रेस के साथ हमारा लंबा अनुभव रहा है। राहुल गांधी के बयान से निराशा हुई है, डसॉ एविएशन के सीईओ की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान से निराशा हुई है। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये मेरे ख्याल से दूसरी बार है कि डिनायल आया है फ्रांस की तरफ से, फ्रेंच मीडिया की तरफ से, और इस बार तो सीईओ जो कि डसॉ के हैं उनकी तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो जब वहाँ के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, वहाँ के विदेश मंत्रालय कह रहा है कि जो भारत सरकार का स्टैंड है वो सही है, और अब डसॉ के सीईओ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं वो गलत है, हम सही पिक्चर सबके सामने रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, उस पर फ्रांस सरकार के साथ साथ डसॉ एविएशन भी कह रहा है कि ये गलत है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सियासत यहाँ पर हो रही है राफेल को लेकर, उस पर राहुल गांधी को अभी अब जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उनके पास सबूत क्या है कि जो वो आरोप इस तरह के लगा रहे हैं, चाहे प्राइस को लेकर हो, चाहे दूसरे मसले को लेकर हो। तो अब राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र जी, पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी की तरफ से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था डसॉ के सीईओ पर, और अब डसॉ के सीईओ ने एएनआई को इंटरव्यू दिया है। ये कहा गया है कि राहुल गांधी के बयान से निराशा हुई, कांग्रेस पार्टी के साथ भी हमारे संबंध रहे हैं लेकिन भारत के साथ काम कर रही है डसॉ, किसी एक पार्टी के साथ नहीं। बहरहाल डिबेट में आगे बढ़ेंगे उसी टॉपिक पर। प्रोफेसर संजीव तिवारी जो कि संघ के जानकार हैं, प्रोफेसर संजीव तिवारी, संघ से इतनी एलर्जी क्यों है कांग्रेस पार्टी को? मुझे लगता है यह पुरानी बात है, संघ से एलर्जी इनको बहुत ज्यादा है। और संघ का जहां तक सवाल है, संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जिसमें 80 से ज्यादा आनुसंगिक अन्य संगठन है जो कार्य कर रहे हैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। लगभग 60,000 शाखाएं दैनिक लग रही हैं, 15,000 शाखाएं साप्ताहिक लग रही हैं, 9,000 शाखाएं मासिक लग रही हैं। मुझे लगता है कि संघ के प्रवक्ताओं को अपने आप में झांकना, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अपने आप में झांकना चाहिए इसके पहले कि वह संघ पे किसी प्रकार की टिप्पणी करें। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस के अगर आप राहुल गांधी को देखें, उसके पहले कांग्रेस के अन्य अधिकारियों को देखें, कांग्रेस के पी चिदम्बरम को देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखें, दिग्विजय सिंह को देखें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखें, तो आप पाएंगे कि इन सब के बयान एक दूसरे से मिलते हुए हैं या संघ से खौफ खाए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके पास क्या बेसिस है यह कहने का कि संघ एक राजनीतिक संगठन है। मुझे लग रहा है कि सुदेश जी ने ठीक कहा था कि राजनीतिक संगठन या राजनीतिक पार्टी होने के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता है वह यह है कि उसे इलेक्शन कमीशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, एक उसे सिंबल लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि पिछले 93 वर्षों में जो संघ ने कार्य किया है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, उसको कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 1934 में महात्मा गांधी जी ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया, सरदार पटेल ने उसको रिकॉग्नाइज किया, 1962 की लड़ाई के बाद जवाहरलाल नेहरू ने खुद से। प्रोफेसर संजीव तिवारी, ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि यह इनकी सोच को दर्शाता है कि इनकी सोच कितनी छोटी है। गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया गया था, जी में योगदान, या वोट की राजनीति के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति। ठीक है, वाहिद हसन, वाहिद हसन रिजवी भी है हमारे साथ, वाहिद हसन रिजवी भी है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। वाहिद, क्या कांग्रेस कंफ्यूज है क्या?
क्योंकि मैं घोषणा पत्र आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा मध्य प्रदेश में, जिसमें गौशाला का जिक्र है, गौमूत्र का जिक्र है, स्वामी विवेकानंद का जिक्र है, संस्कृति का जिक्र है, नर्मदा का जिक्र है, सारे हिंदू प्रतीकों का जिक्र है। मतलब हिंदुत्व की बात कर रही है कांग्रेस और संघ पर बैन लगाने की सोच रही है या संघ की शाखाओं पर बैन लगाने की सोच रही है मध्य प्रदेश में? कंफ्यूजन में है क्या कांग्रेस? पूरे डिबेट का एक्चुअली तीन पार्ट होता है। एक पार्ट जिसपे बार बार अभी तिवारी जी ने कहा कि ये संघ जिसको बोलते हैं लीगल एस्पेक्ट क्या है उसका, या दूसरा एस्पेक्ट है कि कांग्रेस ने एक्चुअली क्या कहा, और तीसरा है कि जो हम लोग राजनीति करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट में अगर बात करें तो ऑब्वियसली टेक्स्चुअली स्पीकिंग जिसको कहा जाए टेक्स्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको बोलते हैं डी जूर प्रोविजन, और डी फैक्टो जब एक्चुअली कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है या उसने कैसे कैसे इशारे किए हैं उसके एतबार से अगर देखा जाए तो ये फुल टू एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि R&D और सपोर्ट सिस्टम है ऑपरेशनल लेवल पे भी और आइडिएशनल लेवल पे भी बीजेपी का। मसलन आप 14 अगस्त 1947 का इनका ऑब्जर्वर में छपा आर्टिकल पढ़िए। इन्होंने आए दिन अपने आप को माना है कि हम एक भारतीय जनता पार्टी, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इनकी रहेगी, किसी जमाने जनसंघ होती थी तिवारी जी, और जनसंघ 1947 में नहीं था। सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी हटा दी, जनसंघ भी नहीं था 1947 में। मेरी बात सुनिए, इन्होंने जब 1947 में तिवारी जी, इनका पॉलिटिकल आउटफिट का डिफरेंट फॉर्मेशन डिफरेंट कंटेम्प्रेरी पीरियड में होता रहा है। ठीक, अभी हम ठीक है, ठीक है, हम आपके सेकंड सवाल का जवाब जरूर देंगे। चीज आपने ठीक कही है जी। तो 15 दिन का वक्त बाकी है मध्य प्रदेश में वोट पड़ने में, 28 तारीख को वोट पड़ेंगे, 13 तारीख आज हो चुकी है, लेकिन संघ को लेकर आर पार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में संघ की शाखाओं में बैन लगाने का जो जिक्र किया गया है सरकारी शिविरों में, उसको लेकर आर पार की स्थिति है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बयान आ चुका है कि इस तरह का कोई बैन नहीं लगाया जा सकता है और सरकारी कर्मचारी जाएंगे संघ की शाखाओं में। 2006 का यह ऑर्डर था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी, बाबूलाल गौड़ जब मुख्यमंत्री थे, तब भी जाने पर रोक थी। बहरहाल पंकज चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो मेरे साथ लगातार मौजूद है। पंकज जी, मुझे एक चीज समझाइए, मतलब मध्य प्रदेश की जनता क्या संघ को गाली देने से वोट देगी आपको, या संघ को आतंकवादी संगठन कहने से वोट मिलते हैं क्या कांग्रेस को, या आप लोग भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं चुनावों को? देखिए अमन, मैंने पहले भी आपसे बड़े विनयपूर्वक स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संघ के बारे में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करी है। आप फिर उस बात से निवेदन किया कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वो है जो कल हमारे अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा। नंबर दो, हमारे संघ आप, के सर, आप सुनते नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही नहीं सुनते हैं, मुझे हैरानगी है अमन। आप अपने नेताओं को नहीं सुनते, मेरा उत्तर आप सुन ले, ये मेरा जी, आप अपने नेताओं को नहीं सुनते, सबको सुनता हूं, मेरा गूगल बाबा है आपके पास अमन में, नहीं पंकज जी आप, अमन सबको सुनता हूं मैं, मेरे को सुन लीजिए, मैं आपको सुनूंगा, मगर आप गलत बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा सर। नहीं, ये पहली बार गलत नहीं बोल रहे हैं, सुनूंगा लेकिन चुनाव प्रचार की अमन जी, ये पहली बार गलत नहीं बोल रहे हैं, ये बारंबार गलत बोलते रहे हैं, गलत बोल रहे हैं तो मुझे टोकना पड़ेगा। अमन, अमन, राहुल गांधी ने आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की, हां या ना? सुंदरलाल तिवारी आपके उपाध्यक्ष आतंकी संगठन कह रहे हैं, हां या ना सर? कह रहे हैं आतंकी संगठन संघ को, अमन मैंने अमन मेरा अमर का मैं भी कह रहा हूं कि संघ के कार्य करने का तरीका वैसा है जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, पर बड़ा सवाल यह है अमन कि अभी हमारे बीजेपी के मित्र और संघ के जानकार कहते हैं संघ आतंकी संगठन जैसा, बताइए कौन सा पंजीयन है संघ का, आतंकी संगठन जैसा है, कौन सा बायलाज है संघ का, आजादी में संघ का क्या योगदान था, संगठन जैसा थॉट्स में क्या लिखा है गुरु गोलवलकर ने, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि आजादी में संघ का क्या योगदान था। कांग्रेस को महात्मा गांधी जी ने 1948 में कहा था कि कांग्रेस का कार्य समाप्त हो गया है, कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं था, कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन था। गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए, कांग्रेस का कार्य खत्म हो गया है। नाथूराम गोडसे किसके आदमी थे इतिहास नहीं, ये इतिहास बताता है। और कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, आपको पता होना चाहिए, संघ की भूमिका, उस कमेटी का नाम था, सुन लीजिए, 1966 में इंदिरा गांधी जी को भी यही कंफ्यूजन था, और उन्होंने एक
कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम था जस्टिस जेल कपूर कमीशन, उस कमीशन के वॉल्यूम एक के पेज नंबर 186 को पढ़िए, 186 को, आपको पता लग जाएगा कि जस्टिस जेल कपूर कमीशन ने महात्मा गांधी के हत्यारों को क्या संघ का माना था। उन्होंने स्पष्ट इनकार किया था कि महात्मा गांधी की हत्या में कहीं संघ के किसी कार्यकर्ता का हाथ नहीं है, संघ का हाथ नहीं है। और इसके बाद आप बार बार अगर कहते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ का हाथ है, जो राहुल गांधी भी कहते थे, और इसको उन्होंने 6 मार्च 2014 में कहा, जिसके लिए उनके ऊपर थाने में कोर्ट मुकदमा चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी हार चुके हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, डिफामेशन का केस है उनके ऊपर। राजनीति करते हैं आप, राजनीति कर रहे हैं में, आप संघ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर यू टर्न ठीक है। सुदेश वर्मा बताइए, पंकज जी देखिए, पंकज चतुर्वेदी देखिए गुस्से में आके कुछ ऐसी टिप्पणी कानूनी पक्षों का सामना करना संगठन है। राहुल गांधी ने कहा कि संघ ने गांधी की हत्या की, देखिए वो मामले का सामना कर रहे हैं कोर्ट में, आप तैयार है क्या आप पर भी कोई इस तरह का केस हो जाए? आप कह रहे हैं संघ ने गांधी को मारा या संघ से जुड़े लोगों ने गांधी को मारा, इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट में मामले का सामना कर रहे हैं, आपको पता है आरोप तय हो चुके हैं उन पर, सुप्रीम कोर्ट आरोप तय हो चुके हैं कोर्ट में राहुल गांधी के ऊपर, अभी मुकदमा चल रहा है राहुल गांधी के ऊपर, वो क्यों नहीं बोल रहा है? स्वीकार कर रहा हूं उस बात को कि जो राहुल गांधी और राहुल गांधी कुछ कह चुके हैं और आपके कमलनाथ जी कुछ कहते हैं और आपका घोषणा पत्र कुछ कहता है और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं कहा, शर्म आनी चाहिए आपको। ये दिल में राम मुंह में नाथुराम, यही तो समस्या है। नहीं, ये समस्या आपके साथ है कि मुंह में राम दिल में नाथुराम, मुंह में राम बगल में छुरी, राम का नाम अभी कहते हैं आप, घोषणा पत्र में संघ के ऊपर रोक लगाया जाएगा। अरे आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, कांग्रेस के लोग ही पढ़े लिखे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़ा आपने, एक पढ़िए क्या लिखा है इसमें, सुदेश वर्मा और भाईदर्शन रिजवी सर, एक मिनट इसमें, इसको पंकज जी आपके पैनलिस्ट है, पंकज जी एक मिनट, पंकज जी एक मिनट, अभी मैं आपको पढ़ा देता हूं, पहले भाईदर्शन रिजवी, भाईदर्शन रिजवी कान ले गया और कान देखिए, एमपी सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1966 के अंतर्गत आप बुद्धि ना लगाइए, उन उन सरकारी कर्मचारियों के रूप रोक लगाना चाहते हैं कि जो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न ले, संघ की गतिविधि राजनीतिक गतिविधि नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं यह राष्ट्रवादी गतिविधि है, सेवा भर्ती, यह सांस्कृतिक गतिविधि है, यह सामाजिक गतिविधि है, संघ सेवा में विश्वास करता है, राष्ट्रवाद में विश्वास, एक मिनट सर, मैं भाई में और भी सुदेश वर्मा भी है मेरे साथ, एक मिनट सर हो गया, एक मिनट ऑडियो बंद करिए, भाईदर्शन रिजवी वोट के लिए, भाईदर्शन रिजवी हो गया सर भाईदर्शन रिजवी संघ को आतंकी संगठन तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तो अगर उनके नेता संघ को आतंकी संगठन कहते हैं, आतंकी संगठन से तुलना करते हैं, तो हैरानगी शायद नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लिए तो संघ है ही आतंकी संगठन, नहीं राहुल गांधी के लिए तो नेताओं के लिए भी होगा, वाइदर्शन रिजवी नहीं। अमन, सबसे बड़ी बात तो हम आपको पहले ही बताया कि हम लोग क्या करते हैं इतना स्मार्टली, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कि टेक्सुअल प्रोविजन का उस वक्त सहारा लेते हैं कि जब हम फंसने लगते हैं और हम अपने पब्लिक डिस्कोर्स को ऐसा शेप कर देते हैं कि जो मोडस ऑपरेंडी होता है कई दफ़ा उसका सहारा ले लेते हैं और टेक्सुअल बात जो है उसको किनारे कर देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अगर आप लीजिए तो जो वहाँ मेन कंटेंडर बन गई है वो भी क्या कर रही है कि टेक्सुअल बात उठा रही है और उठाने के बाद कह रही है कि भाई देखिए ऐसा है कि एज पर लॉ या लीगल प्रोविजन हम तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या ये बात आज छुपी हुई है, अगर ईमानदारी से बात देखा जाए कि भाई संघ जो है एक पूरा ब्रेन चाइल्ड है किसी भी भारतीय जनता पार्टी जो आज की पार्टी है उसका एक ब्रेन चाइल्ड है उसके फॉर्मेशन को लेकर। तिवारी जी, संघ सामाजिक संगठन है, संघ सांस्कृतिक संगठन है, संघ राजनीतिक संगठन है, कोई भी संगठन है, लेकिन आतंकी संगठन तो नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी का वही तो मैं डिबेट कर रहा हूँ सर। एक मिनट, अगर हम संघ सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, चर्चा हो सकती है, आप इस पर चर्चा तो नहीं करेंगे ना कि संघ एक आतंकी संगठन है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, नहीं है, वो डिबेट हो सकती है, आप ठीक कह रहे हैं,
कम से कम आतंकी संगठन तो नहीं कहेंगे ना, जो राहुल गांधी मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना करते हैं। सुंदरलाल तिवारी साहब है उपाध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि संघ एक आतंकी संगठन की तरह, वो अलग नैरेटिव शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था।